नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध के बीच जापान के पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा टल गया है। गुवाहाटी में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच शिखर सम्मेलन होना था। 15-17 दिसंबर को दोनों नेताओं के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। माना जा रहा है कि कुछ समय बाद दोनों नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन की तारीखों का दोबारा से ऐलान हो सकता है। जापान के प्रधानमंत्री का दौरा टलने को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए काला धब्बा है। पंजाब और केरल की सरकार के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने राज्य में नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस कानून के विरोध में कोलकाता में एक बड़ी रैली का भी आयोजन करने का ऐलान किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर आज संसद में आपको बता दें कि जोरदार हंगामा एक और बार हो सकता है, और लेकिन कल भी हंगामा हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा कराने के आरोप लगाए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने रेप वाले बयान को दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। देश को मुद्दे से भटकाने के लिए मेरे बयान पर हंगामा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी एक बार दिल्ली को रेप कैपिटल बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को जला दिया है, बवाल, बेरोजगारी और मंदी से ध्यान भटकाने के लिए हमारे बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। मैंने इतना कहा था कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जहां देखो रेप इन इंडिया बन चुका है। अखबारों की सुर्खियां भी यही कहती है। ये बयान राहुल गांधी का था। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए। पूर्वोत्तर को जलाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए इस भाषण के लिए जिसके एक क्लिप मैं शेयर कर रहा हूं। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरे देश में हिंसा हो रही है। पूर्वोत्तर राज्य में भी देखा जा रहा है कि हिंसा काफी हुई है। कश्मीर में भी हिंसा हुई। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली को रेप कैपिटल बोलकर संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो को रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा कई ट्विटर यूजर ने भी शेयर किया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है, मोदी जी, देश में फैली अराजकता से ध्यान बांटने के लिए आप खुद ही संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि जान ले, देश की बेटियां रेप मनमानी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई चाहती हैं। रेप इन इंडिया मंजूर नहीं है, और इस बारे में खुद का बयान सुनिए। अगर ये सही नहीं है तो खुद भी माफी मांग ली। निर्भया गैंगरेप केस में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दोषियों के डेथ वारंट जारी करने की मांग पर जज ने कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। अब इस मामले में 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई है। पुनर्विचार याचिका को लेकर सुरक्षा कारणों के चलते चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगाने से डेथ वारंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है। दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारंट को नहीं रोका जा सकता। गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली और उसकी अध्यक्षता की। सीएम मनोहर लाल ने कुल मिलाकर 12 शिकायतों को सुना। बैठक के दौरान प्रदूषण को लेकर डीजल ऑटो पर सबसे पहले चर्चा की गई। बैठक में 10 साल पुराने डीजल ऑटो को हटाने पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही सीएम ने डीजल ऑटो हटाए जाने को लेकर पूरी रिपोर्ट भी मांगी। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने लेजर वैली ग्राउंड में अवैध पार्किंग मामले में सीएम ने संज्ञान भी लिया। साथ ही सिटी में ट्रांसपोर्ट नगर पर विस्तार से चर्चा भी की। ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर भी सीएम ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को यूके के आर्मी डेलीगेशन ने सम्मानित किया। यूथ आइकन 2019 के तौर पर दुष्यंत चौटाला को सम्मानित किया गया है। दुष्यंत ने कहा कि मैं सारागढ़ी फाउंडेशन का आभारी हूं। साथ ही सारागढ़ी में मेमोरियल बनाने को लेकर कदम भी उठाने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से काम को लेकर जानकारी ली गई। दुष्यंत ने कहा कि विभाग को 6 महीने में डिजिटल करने का प्रयास किया जाएगा। ट्विटर के माध्यम से सड़कें दुरुस्त करेंगे, ऐसे में लोकेशन की फोटो ट्विटर हैंडल पर टैग करके पोस्ट करनी होगी, ये भी जानकारी दी गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी में सुभाष पार्क का औचक निरीक्षण किया है। पार्क को 18 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें। खास बात यह भी रही कि बरसात और कीचड़ के बीच अनिल विज एकाएक सुभाष पार्क पहुंचे थे और 16 एकड़ में बनने वाले सुभाष पार्क के कोने कोने का जायजा भी लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बेरोजगारी, मंदी और किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के अलावा पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 14 दिसंबर को भारत बचाओ रैली की तैयारियां पूरी हैं। हुड्डा ने कहा कि राष्ट्र स्तर की रैली है जिसमें देश भर से लोग शामिल होंगे। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी बताया कि हरियाणा के लिए अलग से बैठक हुई थी। हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए जल्द ही पुलिस विभाग में भर्तियां की जाएगी और इसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस बल की ताजा गणना करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस संबंध में पूरी समीक्षा भी की जा रही है और रिपोर्ट मिलते ही उचित कदम भी उठाए जाएंगे। गुरुवार को गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अनिल विज ने कहा कि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जल्द ही पुलिस विभाग में भर्तियां की जाएगी। अनिल विज ने यह भी कहा कि उनके पास हर दिन 500 से 600 शिकायतें आ रही हैं जिनमें अधिकतर पुलिस से संबंधित है, इसलिए सभी जिलों से पेंडिंग एफआईआर की संख्या और लंबे समय अवधि की जानकारी भी मांगी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में 11 दिसंबर का सुनहरा दिवस रहने वाला है जब मूल भारत के नागरिकों को उनकी नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी CTU की शहर में चलने वाली AC और मिनी बस में अब ऑर्डिनरी बसों का किराया ही लगेगा। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 महीने ये सुविधा लोगों को मिल पाएगी।
दरअसल सीटीओ की एसएमएल और मिनी बसों में ब्लोअर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से इन बसों को दो महीने के लिए इनका किराया कम कर दिया गया है। जिन में देर रात हुई बारिश ने जहां ठिठुरन बढ़ा दिए तो उसके साथ ही फसलों को लेकर ये बारिश वरदान साबित होगी। हल्की बारिश से किसानों की गेहूं, सरसों, चना, सब्जी सहित कई फसलों को बढ़ने में काफी फायदा मिलेगा। किसानों ने कहा कि बारिश के साथ ओले आते हैं तो ज्यादा नुकसान होगा। पानीपत की औद्योगिक नगरी में जाम की समस्या आम बात हो चली है। लगातार पुलिस विभाग जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी कोई उनको सफलता नहीं हासिल हो रही और लोग भी बाज नहीं आ रहे। आए दिन लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। वहीं इस दौरान पानीपत पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। जीटी पर अवैध वाहन पार्किंग करने वालों की अब खैर नहीं, थोड़ी देर में वाहन खड़ा किया तो ट्रैफिक पुलिस आपका वाहन उठा लेगी। रेवाड़ी के पटौदी रोड स्थित गवर्नमेंट मॉडल आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय रोजगार मेला कार्यक्रम में कोसली से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रादौर के गांव बुक्का में सड़क मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। विभाग द्वारा कई महीने से पत्थर डालकर कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क पर पत्थर होने के कारण कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं, पर संबंधित विभाग को शिकायत करने के बाद भी सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिलता। फिलहाल अब ये मामला एसडीएम तक पहुंच गया है, जिसके बाद गांव के लोगों को इस सड़क के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद बनी हुई है। चरखी दादरी में चोरों ने एक मोबाइल शॉप को अपना निशाना बनाया, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए के एंड्रॉइड मोबाइल फोन को चुराकर चोर फरार हुए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चरखी दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक अधेड़ ने संदिग्ध हालातों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डीएसपी शमशेर दहिया ने अस्पताल पहुंचकर पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से लगातार बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ। नौराधार और हरिपुर धार की बात की जाए तो यहां रात को करीब 2 इंच से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और सुबह से ही इन क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है।